भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है तथा देश में अधिकांश किसान छोटे जोत वाले किसान हैं जिनकी तकनीक और संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है इसलिए मौसम और जलवायु में उतार चढ़ाव के प्रति उन्हें अत्यधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है वर्तमान परिदृश्य में देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सतत विकास की अवधारणा आधारित कृषि आवश्यक है देश के किसानों के लिए अपने कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में मौसम आधारित कृषि अत्यंत फायदेमंद है मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं किसानों को उपलब्ध संसाधनों का अनुकूल उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं यदि उपलब्ध कराया गया मौसम पूर्वानुमान सही साबित होता है तो किसानों को काफ़ी फायदा होता है परंतु यदि कभी कभार पूर्वानुमान सही नहीं होता है तो इससे शायद ही किसानों को कोई नुकसान होता है क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन अद्यतन मौसम पूर्वानुमान किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है एग्रोमेट फील्ड यूनिट आईआईटी रुड़की द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जनपद के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि परामर्श बुलेटिन सितंबर 2005 से जारी किया जा रहा है वास्तव में यह मौसम में बदलाव के आधार पर विभिन्न फसलों उनमें लगने वाले रोगों कीटों इत्यादि पर किसानों से चर्चा करने तथा उनके यथोचित बचाव हेतु उन्हें सलाह प्रदान करने का एक उचित मंच है इस प्रकार ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के अंतर्गत ए एम एफ यू आई आई टी रुड़की द्वारा हरिद्वार देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जनपद के किसानों को बहुमूल्य कृषि मौसम परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं आईआईटी रुड़की अपनी स्थापना के एक वर्ष में प्रवेश कर रहा है तथा प्रारंभ से ही सामाजिक विकास में अपने प्रत्यक्ष योगदान के लिए प्रतिबद्ध है सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान की प्रतिबद्धता के क्रम में कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के द्वारा सीधे किसान को मौसम आधारित फसल और पशुधन प्रबंधन रणनीतियों के क्रियान्वयन में योगदान करने के लिए सतत व स्थायी विधि से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्पित एक छोटा सा कदम है इन कृषि मौसम परामर्श बुलेटिनों में स्थान और फसल विशेष के लिए वर्तमान मौसम मृदा और फसल की स्थिति इत्यादि के आधार पर प्रक्षेत्र स्तरीय कृषि परामर्श उपलब्ध कराने तथा प्रतिकूल मौसम में फसल को होने वाले नुकसान को कम करने एवं सिंचाई उर्वरक अथवा कीटनाशकों के उचित उपाय करने के सुझाव शामिल हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली कि एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को मोबाइल एसएमएस के जरिए चालीस हजार से अधिक किसान और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बीस हजार से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं शेष किसानों को ये बुलेटिन अन्य संचार माध्यमों जैसे ए एम एफ यू रुड़की और आई एम डी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप स्थानीय समाचार पत्रों विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एम एफ यू रुड़की द्वारा विकसित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना की वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम प्रक्षेत्र दिवस किसान चौपाल इत्यादि कार्यक्रमों का भी आयोजन एग्रोमेट फील्ड यूनिट आई रुड़की द्वारा किया जाता है मेरा आग्रह है कि बेहतर कृषि उत्पादन के लिए अधिक से अधिक किसान भाई एवं बहनें इन सेवाओं का नियमित उपयोग करके भारत सरकार की इस किसान हितैषी योजना से लाभान्वित हों हमें विश्वास है कि आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग में संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना द्वारा समय समय पर अद्यतन नवाचारों के साथ कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के माध्यम से कृषक समुदाय की सेवा निरंतर जारी रहेगी भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किसानों को जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि मौसम परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना का संचालन किया जा रहा है कृषि मौसम परामर्श सेवाएं मौसम और जलवायु परिवर्तनशीलता तथा कृषि उत्पादन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कृषि प्रबंधन की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है इससे कृषि उत्पादन के लिए प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से फसल में होने वाले नुकसान को कम करने तथा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को दिन प्रतिदिन के कृषि कार्यों हेतु तो उचित निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है इन सेवाओं के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के विभिन्न समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किसानों की खेती संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया है यह देखा गया है कि स्थान विशेष का मात्रात्मक मौसम पूर्वानुमान आज किसानों की प्रमुख आवश्यकता है मौसम पूर्वानुमान तथा जलवायु संबंधी जानकारी एवं कृषि मौसम संबंधी जानकारी को एकीकृत करते हुए अनुकूल मौसम का समुचित उपयोग करने और प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है कृषि मौसम परामर्श सूचनाओं को समय से प्रसारित करने तथा इन सूचनाओं की पहुंच अधिकतम किसानों तक बढ़ाने के लिए भी आवश्यक तंत्र विकसित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा देश में कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के संचालन का उत्तरदायित्व आईएमडी को सौंपा गया है इसके अनुसरण में आईएमडी ने देश में 130 कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाइयों का नेटवर्क स्थापित किया है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अथवा जी के परियोजना के तहत कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन तैयार करने और इन बुलेटिनों को किसानों व अन्य हितधारकों तक समय से प्रसारित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन इन कृषि मौसम प्रक्षेत इकाइयों द्वारा किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तीन कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई एमएफयू रुड़की एमएफयू पंतनगर और एमएफयू एफ रानी चौरी कार्यरत हैं जो राज्य के भाबर और तराई तथा पर्वतीय कृषि जलवायु क्षेत्र के सभी तेरह जनपद के किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जी के परियोजना आई रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग में एम रुड़की के अंतर्गत संचालित हो रही है एम एफ यू रुड़की द्वारा उत्तराखंड राज्य के देहरादून हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपद के किसानों को कृषि मौसम परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं किसानों को कृषि प्रबंधन के लिए मौसम आधारित कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन तैयार करना तथा संचार के सभी संभावित तरीकों का उपयोग करते हुए इन बुलेटिनों को सभी हितधारकों तक समय से प्रसारित करना एम का प्रमुख कार्य है एम एफ यूर रुड़की को मौसम केंद्र देहरादून द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को आगामी पाँच दिनों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर वर्षा की मात्रा आच्छादित बादलों की स्थिति अधिकतम और न्यूनतम तापमान हवा की गति और दिशा अधिकतम और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता का पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाता है एम एमएफयू रुड़की द्वारा मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अनुकूल मौसम का कृषि प्रबंधन में लाभ लेने तथा प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु और मृदा संसूचनाओं के अनुप्रयोग से कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है इन परामर्श सेवाओं के अंतर्गत फसलों की बुवाई या रोपाई करने हवा की स्थिति और बारिश की तीव्रता के आधार पर उर्वरक अनुप्रयोग कीट और रोग नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के की छिड़काव संबंधी सुझाव अंतः क्रियाओं हेतु परामर्श फसलों की समय पर कटाई के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान जैसे कृषि कार्य शामिल हैं एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन तैयार करने के लिए फसल मौसम कैलेंडर फसल कीट कैलेंडर मौसम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न उपग्रह उत्पाद दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान और फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है इसके अलावा इन बुलेटिनों को किसानों और अन्य हितधारकों तक वास्तविक समय में प्रसारित करने के लिए एम एफ रुड़की द्वारा एक मजबूत तंत्र भी विकसित किया गया है कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन के प्रसार हेतु एमएफयू रुड़की द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ब्लॉक और जिले के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है ताकि किसानों व अन्य हितधारकों को समय से बुलेटिन प्राप्त हो सके इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों ग्राम विकास अधिकारियों जिला कृषि अधिकारियों किसान उत्पादक संगठनों मौसम मित्र इत्यादि द्वारा बनाए गए विभिन्न व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से भी एग्रोमेट एडवाइजरी का प्रसार किया जा रहा है एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन को एम एफ रुड़की द्वारा हिंदी भाषा में विकसित मोबाइल ऐप और वेबसाइट प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संचार मीडिया कृषि सूचना केंद्र ऑनलाइन मोड व्यक्तिगत संपर्क इत्यादि के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है ऐसे किसान जो कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन को पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए एम एफ रुड़की द्वारा हिंदी भाषा में ऑडियो एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन जारी करने की विशेष पहल की गई है जो देश में अपने तरीके की इकलौती अनूठी पहल है जिसे किसानों द्वारा खूब सराहा जा रहा है एक अन्य पहल के अंतर्गत मौसम मित्र के माध्यम से ग्राम स्तर पर कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन को समय से किसानों तक उपलब्ध कराया जा रहा है वास्तव में मौसम मित्र विभिन्न गाँव के प्रगतिशील युवा किसान हैं जो अपने गाँव के किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिला और ब्लॉक स्तर की बुलेटिन को संबंधित ग्रुप में स्वेच्छा से प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन के व्यापक प्रसार तथा कृषि मौसम परामर्श सेवाओं पर किसानों का सुझाव लेने के लिए एम एफ रुड़की तथा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से हिंदी भाषा में एक मोबाइल ऐप विकसित करने का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसके क्रियाशील होने की संभावना है किसान जागरूकता कार्यक्रम प्रक्षेत भ्रमण तथा किसान चौपाल जैसे कार्यक्रम आयोजित करके एम एफ यू रुड़की द्वारा किसानों को कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के बारे में समय समय पर जागरूक व प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है एम एफ यू रुड़की अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि मौसम परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है हम अधिक से अधिक किसानों से एम एफ यू रुड़की की एग्रोमेट एडवाइजरी सेवाओं से जुड़ने का आग्रह करते हैं किसानों से प्राप्त फीडबैक निश्चित रूप से एग्रोमेट सलाहकार सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा इसलिए एम एफ यू रुड़की अधिक से अधिक किसानों की प्रतिक्रिया का स्वागत करता है धन्यवाद किसान भाइयों जैसा कि हम सभी जानते हैं फसल की अच्छी बढ़वार तथा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल मौसम का होना आवश्यक है फसल पर जलवायु तथा मौसम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जहाँ एक ओर फसल की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है वहीं दूसरी तरफ प्रमुख मौसमी अवयवों का नियमित प्रेक्षण भी आवश्यक है इस प्रकार लंबे समय तक रिकॉर्ड किए गए प्रेक्षणों का जब सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है तब फसल और मौसम के बीच विश्वसनीय व सार्थक संबंध प्राप्त होते हैं अतः फसल व मौसम के परस्पर संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न मौसमी अवयवों का नियमित प्रेक्षण नितांत आवश्यक है इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई आई रुड़की में भारत मौसम विज्ञान विभाग के तकनीकी निर्देशन में एक अत्याधुनिक व समुन्नत कृषि मौसम वेदशाला स्थापित की गई है उक्त वेदशाला में स्थापित उपकरणों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है वेदशाला में वाष्पीकरण की दर मापने के लिए एक यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो क्लास ए ओपन पैन इवेपोरीमीटर स्थापित किया गया है किसान भाइयों जहां एक तरफ वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल चक्र के लिए आवश्यक है जो बादलों के निर्माण के फलस्वरूप वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है तो वहीं दूसरी तरफ वाष्पीकरण दर के आधार पर हम फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण करते हैं किसान भाई ओस से आप सभी भली भांत परिचित होंगे वर्षा के अलावा अन्य मौसम में ओस मृदा में नमी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है इसलिए वेदशाला में ड्यू दिव डिवानी ड्यूगेज दिव की सहायता से सितंबर से मार्च के महीने में ओस की मात्रा का मापन किया जाता है रात में साफ आसमान सूर्यास्त के उपरांत 75 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता युक्त अत्यधिक नम हवाएं तथा शांत और मध्यम वायु ओस निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं किसान भाई खेत में बीजों के जमाव हेतु मृदा का अनुकूलतम तापमान आवश्यक है इसके अतिरिक्त पौधों में जड़ों की विकास जैविक तत्वों का विघटन तथा जड़ों की अवशोषण क्षमता मिट्टी के तापमान पर निर्भर करती है इसलिए वेधशाला में पाँच दस तथा बीस सेंटीमीटर की गहराई पर मृदा तापमापी की सहायता से मृदा तापमान का मापन किया जाता है मैं समझता हूँ कि खेती के लिए किसान भाइयों को वर्षा के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है वर्षा की कुल मात्रा का मापन करने के लिए वेधशाला में एक सामान्य वर्षा मापी यंत्र लगाया गया है वर्षा की कुल मात्रा का रिकॉर्ड मिलीमीटर में किया जाता है किसान भाइयों एक मिलीमीटर वर्षा का मतलब है एक वर्ग मीटर खेत में एक मिलीमीटर गहराई तक वर्षा हुई है कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक मिलीमीटर वर्षा होने पर एक वर्ग मीटर खेत में एक लीटर जल की प्राप्ति होती है वर्षा की तीव्रता यानी किस समय कितनी वर्षा हुई इसे मापने के लिए वेधशाला में एक स्वचालित वर्षा मापी यंत्र भी स्थापित किया गया है इस स्वचालित वर्षा मापी यंत्र द्वारा एक ग्राफ पेपर पर 24 घंटे में हुई वर्षा की कुल मात्रा तथा उसके समय को रिकॉर्ड किया जाता है वेदशाला में एक सिंगल स्टिवेंशन स्क्रीन लगाई गई है जिसमें अधिकतम तापमापी न्यूनतम तापमापी आठ तापमापी तथा शुष्क बल्ब तापमापी को रखा गया है इस स्क्रीन में तापमापी को सूर्य की सीधी गर्मी तथा वर्षा इत्यादि से सुरक्षित रखते हुए वायु के उन्मुक्त संचरण को बनाए रखा जाता है अधिकतम तापमापी से 24 घंटे की अवधि में होने वाले हवा के अधिकतम तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है जबकि 24 घंटे की अवधि में हवा के न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है शुष्क बल्ब तापमापी से किसी भी समय हवा के तापमान की जानकारी प्राप्त की जाती है जबकि शुष्क बल्ब व आर्द्र बल्ब तापमापी से रिकॉर्ड किया गया तापमान आर्द्रता यानी हवा में नमी की मात्रा की गणना के लिए प्रयुक्त होता है किसान भाइयों जाड़े के दिनों में फसलों पर पाला पड़ने की घटनाएं भी देखी जाती हैं जिसके दुष्प्रभाव से फसलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है दरअसल जब पेड़ पौधों के आसपास का तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है तो पौधों में उपस्थित नमी जलवाष्प से सीधे बर्फ़ बन जाती है वास्तव में यही स्थित पाला पड़ना कहलाती है इसके लिए वेदशाला में ग्रास मिनिमम तापमापी का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से पौधों द्वारा अनुभव किए जाने वाले न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है किसान भाइयों कृषि में हवा के महत्व को देखते हुए वेधशाला में हवा की दिशा मापने के लिए विंड वेन तथा हवा की गति मापने के लिए कप काउंटर एनिमोमीटर स्थापित किया गया है जैसा कि हम सभी जानते हैं फसल की बढ़वार तथा विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है इसलिए वेधशाला में सूर्य की चमक मापने के लिए कैंपेबल स्टोक सनसाइन रिकॉर्डर स्थापित किया गया है इससे सौर ऊर्जा की गणना की जाती है वेधशाला में एक स्वचालित कृषि मौसम केंद्र भी स्थापित किया गया है जो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर मौसम आंकड़ों को स्वतः रिकॉर्ड करके भारत मौसम विभाग के सर्वर पर प्रेषित करता है किसान भाई इन आंकड़ों को ए डब्ल्यू एस ए आर जी नेटवर्क पर ऑनलाइन देख सकते हैं किसान भाइयों यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई आई आई टी रूड़की द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कृषि मौसम परामर्श सेवाओं की पहुंच आज हरिद्वार जनपद के सभी छ सौ गाँवों तक है जिसे तकनीक के माध्यम से जनपद के प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है मेरा आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई आई आई टी रुड़की द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कृषि मौसम सेवाओं से जुड़कर अपने कृषि कार्य में मौसम संबंधी सूचनाओं का उपयोग करके लाभान्वित हों तथा इन सेवाओं के बारे में अपने सुझाव से भी हमें अवगत कराएं ताकि आपको आपकी आवश्यकता अनुरूप और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें धन्यवाद